नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कानपुर पुलिस ने 39 कथित दंगाइयों के फोटो सार्वजनिक कर दिए हैं, जिनके खिलाफ उसने FIR की है। पुलिस को उनकी तलाश है। जिन पर 40 कथित दंगाइयों की फोटो जारी की गई है, उनमें से अधिकांश समुदाय विशेष के हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो नूपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने उन लोगों की लिखित शिकायत को लेकर रख लिया था। उस शिकायत अर्जी में उन लोगों के नाम और हस्ताक्षर थे। उनमें से कुछ नाम FIR में भी सामने आए हैं। कानपुर पुलिस द्वारा लगाए गए कथित दंगा आरोपियों के होर्डिंग और पोस्टर आलोचना का विषय बन गया है। जिस समय देश में CA NRC आंदोलन चल रहा था, तो लखनऊ में ऐसे आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के होर्डिंग लखनऊ शहर में लगाए गए थे। इस पर अदालत ने UP सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे। BJP के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खाड़ी देशों द्वारा विरोध जताने के बाद मोदी सरकार को घेरा है। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्षों के दौरान भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम लद्दाख पर चीनियों के सामने रेंगते रहे, रूसियों के सामने घुटने टेकते रहे, क्वाड में अमेरिकियों के सामने झुके, अब हमने छोटे से कतर के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया है। ये हमारी विदेश नीति की कमियाँ हैं। BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कतर और भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे में कतर की हिस्सेदारी के बारे में नया क्या है। हाल के घटनाक्रम से पता चलता है कि कतर की नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में पहले से ही हिस्सेदारी है। वास्तव में NSA की एक शाखा दोहा से संचालित होती है। स्वामी ने कहा कि एक गुजराती अपराधी के अपहरण में कतर के विमानों का इस्तेमाल किया गया था। स्वामी ने यह बात ट्विटर पर उस यूजर के जवाब में कही जिसने 2020 के एक मीडिया रिपोर्ट को साझा किया था और कहा था कि कतर मुंबई हवाई अड्डे में निवेश करने जा रहा है। BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। खाड़ी देशों के विरोध के बाद यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि आंतरिक रूप से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। राहुल ने कहा कि भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने भी पूर्व BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान और उसके बाद गल्फ कंट्रीज के विरोध पर प्रतिक्रिया दी। जयंत ने कहा कि रोज थोड़ा जहर खाने वाले सोचते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन जब दिल में इतनी नफरत कोई पालता है तो खुद भस्म हो जाता है। जयंत ने कहा कि 1-2 प्रतिनिधि को हटाने से बात नहीं बनेगी, अपनी विचारधारा बदलो। भारत हम सबका है, हमारी बहुसंख्यक संस्कृति हमारी पहचान है। BJP की पूर्व प्रवक्ता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान के बाद कुवैत में सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपनी अलमारियों से बाहर कर दिया। अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के कार्यकर्ताओं ने विरोध में भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को ट्रॉलियों में बाहर रख दिया। इसके अलावा कुवैत सिटी के ठीक बाहर सुपरमार्केट में चावल के बोरे, भारतीय मसालों और मिर्च की अलमारियों को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया गया। साथ ही अरबी में लिखा गया, हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। स्टोर के CEO नासिर अल मुतारी ने AFP को बताया, हमें कुवैती मुस्लिम के रूप में पैगंबर का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी के व्यापक बहिष्कार पर विचार किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आई BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब नूपुर शर्मा को धमकाने और परेशान करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक अधिकारी ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है और शर्मा की वीडियो पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट और टिप्पणियों की जांच कर रहे हैं। खाड़ी देशों के विरोध के बाद कांग्रेस ने BJP पर हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक 11 ट्वीट कर मोदी सरकार और BJP को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा कि देश जानना चाहता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सत्ताधारी भाजपा को देश की छवि पर आघात करने का अधिकार किसने दिया। क्या ये सही नहीं है कि भाजपा प्रवक्ता कहती रही कि उसे PM व गृहमंत्री का समर्थन है, तो फिर उन्हें पदमुक्त क्यों किया गया। क्या कारण है कि भाजपा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर धार्मिक भावना भड़काने की FIR दर्ज नहीं की गई। सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई सामने है, भाजपा अपने कृत्यों से देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है और झेप मिटाने के लिए विदेशी मुल्कों के दबाव में प्रवक्ता हटा रही है। पर संविधान की अनुपालना कब होगी, सब नागरिकों को एक नज़र से कब देखा जाएगा, राजधर्म कब निभाएंगे, देश जानना चाहता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारत के उपराष्ट्रपति MVenkaiah Naidu के कतर दौरे के दौरान कतर के डिप्टी अमीर के साथ होने वाला डिनर रद्द होने को लेकर सवाल पूछा। सुरजेवाला ने कहा, क्या कारण है कि हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति के सम्मान में दिया गया भोज एक विदेशी मुल्क ने कैंसिल कर दिया। बता दें, कहा जा रहा है कि कथित तौर पर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रात्रि भोज को रद्द कर दिया गया था और ऐसा तब किया गया जब उपराष्ट्रपति नायडू दोहा पहुंचने वाले थे। रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि क्या भाजपा जानती है कि लगभग 320 लाख भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं व काम करते हैं, जिनमें से 150 लाख खाड़ी के देशों में।
क्या ये सही है कि साल 2021 में इन भारतीयों ने देश में 6 लाख करोड़ वापस भेजा, जो कुल इनकम टैक्स से ज़्यादा है? सुरजेवाला ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या ये सही है कि भारत का केवल 4 खाड़ी देशों को निर्यात ही 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है? क्या भाजपा हमारे किसानों व व्यापारियों की रोजी रोटी पर आघात नहीं कर रही है? पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कुछ मुस्लिम देशों के एक समूह के एतराज को भारत ने सोमवार को खारिज कर दिया। भारत ने उस समूह की प्रतिक्रियाओं को अनुचित और संकीर्ण बताया है। दरअसल भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि OIC के बयान पर आई है। OIC ने इस मामले में बीजेपी के दोनों नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए UN से इसमें दखल देने की मांग की थी। बता दें, बीजेपी ने रविवार को ही नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और नवीन जिंदल को पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई थी। इन देशों ने साफ कहा था कि पैगंबर की तौहीन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर, कुवैत और ईरान ने भारत से माफ़ी की मांग की थी। भारत ने बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई से इन दोनों देशों को अवगत कराया, उसके बाद ये देश शांत हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। वो मंगलवार को मानसा के मूसा गांव जा रहे हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद राहुल का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। राहुल मूसा गांव में दिवंगत गायक और पार्टी नेता सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पंजाब के CM भगवंत मान और अन्य नेताओं ने दिवंगत गायक के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने शाह से मांग की थी कि इस हत्या की जाँच CBI या NIA से कराई जाए। उनका कहना था कि हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसे सामने आना चाहिए। बता दें, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद ये घटना हुई थी। कानपुर के बाद अब उत्तर प्रदेश के आगरा में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। ये सांप्रदायिक तनाव ताजगंज के बसई खुर्द के इलाके में मोटरसाइकिल से एक शख्स को टक्कर लगने के बाद हुआ। यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था और दोनों ओर टाइल्स के ढेर लगे हुए थे, इस वजह से ये टक्कर हो गई। घटना रविवार की है। टक्कर होने के बाद बाइक सवार और घायल शख्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद ही दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें लोगों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस बारे में पता चलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालांकि सख्ती दिखाते हुए हालात को काबू में कर लिया। समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले ये खबर थी कि वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार होंगी, लेकिन सोमवार सुबह आजम खान ने आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।